नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। छिंदवाड़ा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती 2 जून को महाराणा प्रताप चौक विशाल अश्वरोही प्रतिमा स्थल पर मनाए शौर्य और उत्साह के साथ मनाई गई। राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश के वीर योद्धाओं वीरांगनाओं की झांकी सजाकर शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें राजपूत क्षत्रिय समाज के क्षेत्र अध्यक्ष शिवभवन सिंह ठाकुर ने बताया कि राजपूत क्षत्रिय समाज के प्रांतीय अध्यक्ष था जेकेश सिंह जी की अध्यक्षता में समस्त प्रांतीय पदाधिकारी, अन्य जिलों से पधारे सामाजिक सदस्यों और छिंदवाड़ा क्षेत्र के सकल समाज के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई, जहां प्रतिमा पर पूजन माल्यार्पण के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के बाद प्रतिमा स्थल से पूजा लॉन समीप स्थित सामाजिक मंगल भवन तक शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें महाराणा प्रताप जी की झांकी समेत समस्त वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं की झांकी मुख्य आकर्षक का केंद्र रही। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। महोदय, जयकेश सिंह ठाकुर जी का स्वागत करेंगे कोषाध्यक्ष। इसी क्रम में सिवनी क्षेत्र से पधारे सचिव श्री मधुवर सिंह भारद्वाज जी से। गीत तुझसे हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, अपनी शरण से हमें तार दे माँ, अपनी शरण से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञान बोली, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती छपारा छिंदवाड़ा राजपूत क्षत्रिय समाज के सौजन्य से मनाई जा रही है। ये महाराणा प्रताप चौक में विगत दिवस महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ और इसमें हमारे सभी छिंदवाड़ा क्षेत्र के सामाजिक बंधुओं का योगदान रहा और बड़े उत्साह के साथ आज हम महाराणा प्रताप जयंती मनाए। आपको सलाम। जयकेश सिंह, मध्य प्रदेश राजपूत क्षत्रिय समाज अध्यक्ष। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है, जयंती समारोह में हम सभी उपस्थित हुए हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। आज इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य ये था कि हमारे देश में वीर योद्धाओं ने, वीरांगनाओं ने कितना बलिदान दिया है, ये संदेश लोगों तक जाए। उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और वही आज हमारे लिए प्रासंगिक है। हमारे बीच में आज मध्य प्रदेश राजपूत क्षत्रिय समाज के समस्त क्षेत्रों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी शक्ति में नारी शक्ति भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया हमने। पद्मावती, रानी दुर्गावती,